हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, जीवन जीना भी एक कला होती है और यह कला हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए, हमें भी सीखनी चाहिए। एक जीवन होता है कि हम बिता रहे हैं, मतलब अपना जीवन काट रहे हैं, और एक यह होता है कि हम जी रहे हैं, सुखी पूर्वक जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। भले ही छोटा मोटा संसाधन है, सुख सुविधाएं कम है, मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुत थोड़ी है, पर उसमें हम सुखी पूर्वक जी रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, जीवन जीने के लिए ना तो ढेर सारे पैसे की ज़रूरत है और ना ही ढेर सारे लोगों की ज़रूरत है, ना आपकी फ्रेंड लिस्ट में या आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हों तभी आप जीवन जी सकते। नहीं, हम जीवन जी सकते हैं, अकेले भी रहेंगे तो भी सुखी पूर्वक जीवन जी सकते हैं। अगर आप बहुत लोगों के बीच में हैं, बहुत सुख सुविधाएं आपके पास है, सुख सुविधाएं आपके पास है, ढेर सारा पैसा है, लोगों की भीड़ में है, और मतलब जैसे सब कुछ आप लोग पास है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ऐसा होता है ना कि कभी कोई अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अंदर से मतलब दुखी रहते हैं, घुटते हैं अंदर से, मतलब बेचैन रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग या पैसे, सुख सुविधा नहीं मैटर करता है इस चीज को, कि हम अगर ढेर सारा पैसा या ढेर सारे लोग रहें तभी हम सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो सही क्या है, भले कम में है लेकिन अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए सही होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि मतलब हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ आपसे कह दिया तो आप रोने लगे, किसी ने कुछ आपको हर्ट कर दिया तो आप दुखी हो गए, किसी ने आपकी तारीफ कर दिया, किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप खुश हो गए। ये तो वही बात हुई ना कि आपकी जिंदगी कोई और चला रहा है, मतलब किसी और के हाथ में आपकी जिंदगी है की डोर है। तो हमें मतलब खुद से कब खुश रहना सीखेंगे? आप अपना ध्यान कब रखेंगे? आप अपना ध्यान रखिए तो उसमें सबसे पहले नंबर वन पे आता है सेहत। आप मतलब जो भी आपके पास है अच्छा भोजन खाइए, और मतलब खाने का ही मतलब नहीं है कि महंगा फ्रूट खाएं या महंगा ड्राई फ्रूट खाएं, महंगा मतलब बाजार की भी महंगी महंगी चीजें खाएं। हमें किसी का देख करके कॉपी नहीं करना है, हमारे मतलब हमारी जितनी चादर है उतनी ही हम अपना पैर फैलाएंगे, तो किसी को देख करके हमें नहीं करना है। जो भी हमारा कम है लेकिन अच्छा है तो हम अच्छा खाएंगे और भरपूर नींद लेंगे, किसी चीज का टेंशन ना लें। आपको तो मतलब टेंशन एकदम नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन एक ऐसी बीमारी, मतलब एक ऐसी चीज है ना, बीमारी तो नहीं है टेंशन, लेकिन टेंशन एक ऐसी चीज है ना जो हमें, हम कितना भी मजबूत रहेंगे मगर हमें अंदर ही अंदर से एकदम खोखला कर देती है। हम अच्छे से मतलब कहीं ना जी सकें या नहीं, अच्छे से रह नहीं, अच्छे से खा नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकते अच्छे से। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उस व्यक्ति की बात को आप अपने दिमाग पे, अपने दिल पे, मतलब बिल्कुल भी उस व्यक्ति का प्रभाव आपके दिल दिमाग पे नहीं आना चाहिए। इसी तभी अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप सुखी रह सकते हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका कोई शौक है तो उसे पूरा कीजिए, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उसे कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, और मतलब आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों पे तो बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भाई वही लोग है ना, लोगों का क्या है, लोग तो आज आपको अच्छा कहेंगे, कल बुरा कहेंगे, कल बुरा कहेंगे आज अच्छा कर रहे हैं, आज अच्छा कर रहा है और कल वही कहेंगे कि बुरा कर रहा है, और आज अच्छा कर रहा है तो कल बुरा, मतलब लोगों का, लोग तो ऐसे होते हैं ना, जैसे आपने कहावत सुना हो बिना पेदी का लोटा, तो लोग बिना पेदी का लोटे जैसे होते हैं, कभी इधर तो कभी इधर। तो हमें लोगों की बातों का प्रभाव अपने जीवन पे या अपने ऊपर नहीं देना है। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी काम करें अच्छे से करें, सोच विचार कर करें, अच्छे से फैसला लें कि हमारे लिए सही है कि नहीं, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा मतलब क्या हमारे बारे में सोचेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें कैसा लगेगा, हमारे ऊपर कैसा प्रभाव, हम कर पाएंगे या नहीं, मतलब आपको फैसला लेना है, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने आप से अकेले में बात करें कि मतलब अपने आप से अकेले में बात करें कि हमने अपने लिए क्या किया, अपने बारे में सोचिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, बिना किसी के बात का परवाह किए अपने आप पे ध्यान दीजिए। हम क्या जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, ये खुद अपने आप
आप लोग अपने बारे में सोचिए कि हम आज तक अपनी जिंदगी में क्या किए अपने लिए, ये सब सोचेंगे तब आप लोगों को मतलब एहसास होगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी हम कहाँ चला रहे हैं। और तो सेहत से आप लोग सही रहिए और जितने में हैं आप लोग खुश रहिए, मतलब अंदर से फील हो कि हाँ हम खुश हैं।